नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए कटा हुआ गोभी लेंगे, कटा हुआ आलू लेंगे बड़े साइज का, कटा हुआ प्याज लेंगे, कटा हुआ मिर्च लेंगे, कटा हुआ टमाटर लेंगे, कटा हुआ धनिया। तेल गर्म हो चुका है, अब गोभी को फ्राई करेंगे। गोभी को अच्छे से फ्राई करेंगे। गोभी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब उसको निकाल लेते हैं। अब आलू को फ्राई कर लेते हैं। इसको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे आलू को। आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। तड़के के लिए जीरा लेंगे, तेज पत्ता लेंगे, हरा मिर्च कटा हुआ डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। टमाटर को भी प्याज के साथ मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि इसका कलर न चेंज हो जाए। प्याज देखिए अच्छे से भून गया है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कोई भी मीट का मसाला ले लेंगे वो डाल देंगे, जो पैकेट वाला होता है, और कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें गोभी और आलू को ऐड करेंगे। अब आलू गोभी को ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसको चला देना है। एक मिनट के लिए ढक देंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और फिर इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। गोभी आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें लास्ट में गरम मसाला ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए सब्जी बन के तैयार हो गया है, अब इसको उतार लेते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।